जी की सक्रिय राजनीति में रहते हुए जो लोग गुलाब जी को यूं अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने भी ताड़ ठोक दी थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से उम्मीदवारी करना कोई गुनाह नहीं है। हर व्यक्ति अगर राजनीतिक फील्ड में आया हो या व्यापारिक फील्ड में आया हो, चाहे शैक्षणिक फील्ड में गया हो, चाहे किसी भी फील्ड में गया, आदमी बच्चा पढ़ता क्यों है? बच्चा पढ़ता है इसीलिए ना कि ज़्यादा पढ़ लूँगा, अच्छा पढ़ लूँगा तो नौकरी करूँगा, बढ़िया जगह नौकरी करूँगा। हम व्यापार भी इसलिए करते हैं ना। तो राजनीति एक सेवा का माध्यम है। और अगर उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक बन के अगर इस उदयपुर के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी अगर सेवा करना चाहता है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है भैया, चुनाव से पहले तक टिकट मांगने का सबको हक है। तो अगर जो जो भाई साहब, और मैं तो कह रहा हूँ खुश हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसको बहुत अच्छी तरीके से लेती है कि आदरणीय कटारिया साहब के जाने के बाद इतने दावेदार अगर हैं, और अभी तो और आने वाले हैं और आएंगे, हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी कुछ नाम दिखेंगे, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो कटारिया साहब की एक आशीर्वाद था, या कटारिया साहब का कार्यकर्ताओं को एक सीख थी, या उन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ने का इतना काम किया कि आज इतने दावेदार, मैं आपको रामदास को कह रहा हूँ कि जितने भी दावेदार आए ना, वो सब दावेदार इस उदयपुर की सेवा करने में 100% सक्षम है। शहर के चौक चौराहों पर जिस तरफ नजर घुमाए अतुल जी चंदालिया नजर आते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भैया ये सालों से था मुझे शायद नहीं पता या फिर ये मैं आंखें सालों बंद से करके था। आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आप आंखें बंद करके नहीं आते हो, क्योंकि आप जितनी निकटता से भारतीय जनता पार्टी को देखते हो ना, और खास करके गुलाब जी भाई साहब को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल वाला आपकी जितनी निगाहों से उनको देखता होगा। तो ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कटारिया साहब जब नेता प्रतिपक्ष बन गए, कटारिया साहब जब पूर्व में 2 बार गृह मंत्री बन गए, कटारिया साहब जब पहले नेता प्रतिपक्ष बन गए, चाहे उनका जन्मदिन हो, चाहे सब कुछ हो, बात बैनर पोस्टर की है, मुझे सारी चीज़ें पता है ना भैया। पिछले 10 साल से उनके जन्मदिन से लगा के उनके किसी भी पद की प्राप्ति जब उनको हुई है, तो मैंने पूरे उदयपुर में बैनर पोस्टर लगाए। आदरणीय कटारिया साहब का हर जन्मदिन हमने मल्ला तलाई चौराहे पे बनाया। कटारिया साहब का 75वां जन्मदिन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के कार्यकर्ताओं ने भुवाड़ा में मनाया। आपको भी ये सारी चीज़ें पता है। अभी चुनाव का मौसम है, मार्च अप्रैल, मार्च के पहले, फरवरी से पहले, लोगों ने मुझे कभी इस रूप में या इस सोच के साथ कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। तो अभी क्या है, चुनावी मौसम आ गया, तो अब तो क्या है कि आप कहीं पे भी पग बढ़ाते हो ना, या कुछ भी चीज़ आप करते हो, तो अब वो नज़र आने लगी है, आप समझ रहे हो, या जान करके दिखाई जाने लगी है कि ये देखो अतुल जी का पोस्टर लग गया, ये देखो अतुल जी का बड़ो पोस्टर लग गया। अतुल चंदालिया तो 10 साल, 12 साल, 15 साल से जब जब भी कुछ भी काम हुआ है, और ऐसा ही नहीं कि कटारिया साहब के, अमित शाह जी के जन्मदिन पे भी लगे, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे भी लगे, दीपावली दशहरा मेले में भी लगे, जन्माष्टमी में भी पोस्टर लगे। तो पोस्टर तो सालों से, ऐसा नहीं कि इस फरवरी या मार्च के बाद ही अतुल चंदालिया ने पोस्टर लगाए, लगाने वाले की पोस्टरों की संख्या भी आपको पता है, और ये पोस्टरों की संख्या अभी अभी में बढ़ी है ना। खास करके अगर मेरे पोस्टरों को ही अगर किसी को दिखाया जा रहा है, यार अगर वही देख रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब आपने ताल ठोक दी? हाँ, मैंने 100% अपना बायोडाटा दिया है। मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे यहाँ के उदयपुर वासियों को एक शपथ मान लो, चाहे मेरी बात मान लो, किसी का मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अतुल चंदालिया टिकट मिलने के बाद ए बी सी या जेड किसी को भी मिलता है, भारतीय जनता पार्टी कमल के चुनाव का सिंबल किसी भी कार्यकर्ता को मिलता है। मैंने पूर्व में जितने भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए और आदरणीय कटारिया साहब के लिए काम किया, मैं उस प्रत्याशी के लिए काम करूंगा, और मैं अपना मेंटोर, अपना गुरु मानता हूं कटारिया साहब को। तो उन्होंने संगठन के अलावा मेरे हिसाब से तो कभी कुछ देखा नहीं। तो जिनको मैं गुरु मानता हूं और जिनके लिए मैं पूरे गर्व के साथ चीना टोक के मैं हर बार कहता हूं कि उनके पद चिन्हों पे 10% भी चल जाऊं, 25% भी चल जाऊं, तो मेरा जीवन सफल है। तो उन्होंने हमें शिक्षा ही यही दी है, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता कमल का सिंबल लेके आएगा, अतुल चंदालिया तन, मन और धन के साथ
उनके लिए काम करूंगा। कटारे जी के समधी होने का फायदा कितना मिला? आप चौथे पाए हो भैया। कटारिया साहब को आपने और आपके परिवार ने कितनी निकटता से देखा है, मुझसे भी ज़्यादा। उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका बोलना, उनका सोचना मेरे से ज़्यादा आपको पता है। कटारिया साहब का रिश्तेदार नितुल भैया की शादी के बाद मैं बना, और लगभग 22 से 23 साल नितुल भैया की शादी को हुए। तो कटारिया साहब के रिश्तेदार तो लोग पहले से ही थे, इतने कटारिया साहब के रिश्तेदार ब्लड के रिलेशन वाले भी सालों से थे। आज भाई साहब की 79 इयर्स की एज है, तो 79 के बाद तो उससे पहले भी कटारिया परिवार उनके रिश्तेदार थे। भाई साहब की शादी, भाई साहब के बच्चों की शादी, भाई साहब, तो वो पूरा एक कुनबा बढ़ता गया। मुझे एक रिश्तेदार का नाम आप बताओ जो राजनीति में बहुत आगे चला गया। मैंने मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और ऐसे पार्षद का काम करके धीरे 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 स्टेप बाइज बना। मेरे को कटारिया साहब ने कुछ नहीं दिया, मुझे जो भी दिया है वो दिया है भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, मेरे काम को दिया, मेरे काम करने की शक्ति को दिया, मेरे कार्य करने की क्षमता को दिया। आप मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पद उनको कह के पार्टी को ऐसा करके या ऐसे करके मैंने उन्होंने मुझे दिया। नहीं नहीं, बात अंदरूनी नहीं भैया, आज जो बात हुई है तो खुल के बात करेंगे। पार्षद का चुनाव लड़ा, मैं समिति का अध्यक्ष भी बन सकता था, पार्टी का समिति का अध्यक्ष बन सकता था, पूरे उदयपुर की सेवा कर सकता था, पूरे उदयपुर का काम देख सकता था, उस समिति का पूरा काम देख सकता था। आदरणीय कटारिया साहब ने पार्षद का चुनाव जीतते ही मेरे 3 महीने में मंडल अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई है, तो मैंने संगठन का काम किया। अगर मेरे रिश्तेदारी या अगर इनसे कुछ होने से अगर मेरे को पद की प्राप्ति करनी होती, उनके थ्रू तो हो भी नहीं सकती है, ये पूरा उदयपुर जानता है। हर जना ऐसे बात करते हैं ना, तो राजनीति में उनकी कोई बेटी, उनका कोई दामाद, उनके कोई भाई, उनकी कोई भाभी या और भी कोई रिलेशन है, वो आप मेरे को बताओ कि उन्होंने जिसका, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, उनके जैसा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करने वाला कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी संगठन को समझने वाला व्यक्ति मैंने मेरी लाइफ में आज तक तो नहीं देखा। आगे आने वाले समय में अगर कोई दिखे तो बात अलग है। उन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा हमेशा संगठन को माना है। एक फ़ोन आया कि आपको गवर्नर बना दिया आसाम का, एक व्यक्ति ने इतनी सरलता से उस आदेश की पालना करी। मेरे हिसाब से उस आदेश की पालना करना और 40-45 साल उन्होंने जिस संगठन, जिस पार्टी के लिए काम किया और एकदम एक मिनट के अंदर ये हो जाना कि आपको गवर्नर बना दिया गया, और उस गवर्नर बनने को इतनी सहजता के साथ, उनके ये शब्द थे कि भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या सोच सकती। तो मैं तो उनके पद चिन्हों पर और उनका चेला हूँ या उनको मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको तो शायद ये भी महसूस होता होगा कि हर जगह मेरे को जब ये सुनने को मिलता है या ये बात होती है ना, तो मन में ये होता है कि आपने भी मुझे काम करते हुए देखा और यहाँ के लोगों ने भी मुझे काम करते हुए देखा है। मन में ये है कि हाँ, मैं उनसे कभी भी बात कर लेता हूँ, कभी मैंने आज तक उनको कभी भी आपके अगर उनसे वार्ता हो ना, मैंने 19 साल में भैया मैंने कभी मेरे रिश्तेदार के लिए ट्रांसफर के लिए भी साहब से निवेदन नहीं किया। मैंने मेरे किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए साहब से मैंने निवेदन नहीं किया। जब नितुल भैया की शादी हुई ना भैया, मेरी पारिवारिक और मेरी आर्थिक स्थिति इस तरीके से थी कि हम दोनों भाई नितुल भैया की शादी होने के बाद भी सुखेड़ से देवाली बेदला पीछे वाले रास्ते से हम दोनों भाई पैदल आ जाया करते थे। तो हमने कभी भी किसी भी तरीके का लाभ लेने की कोशिश नहीं करी, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे अपने लिए फ़ोन करके या मुझे उनसे कहना पड़े तो ऐसी राजनीति का या ऐसा कुछ आगे पद पाने का भी मेरी तो कोई इच्छा नहीं। आपने ताल ठोक दी है और दावेदारी काफ़ी है संख्या, आपकी नज़रों में और कौन हो सकता है, किसे आप पसंद करते हैं? नहीं,
मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर कार्यकर्ता को पसंद हूँ जी। गुलाब चंद जी कटारिया साहब अपने बाद हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की संख्या इस मेवाड़ के अंदर और इस पूरे राजस्थान के अंदर छोड़ के गए। खास करके इस उदयपुर में सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस उदयपुर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मेरी पसंद मेरी नापसंद मुझे उससे या मेरे अंदर आज तक कभी ऐसी थॉट या मेरी ऐसी कभी सोच रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता कमल का सिंबल लेकर आएगा मैं 100% उसके लिए काम करूंगा और वही मेरा मेरी पार्टी का मेरे परिवार का वही कैंडिडेट है वो है कमल। मैंने कल भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक रील चली है वो मैंने पूरे उदयपुर शहर में या मेरे जितने भी मिलने वाले हैं उनको सबको डाला है। उम्मीदवार कोई भी हो हमारा कैंडिडेट है कमल और मैं उसी पे काम करता हुआ जाऊंगा। एक समय था तब उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रोग्राम होते तो संख्या काफी आती थी। अभी हाल ही परिवर्तन यात्रा में देखें तो कुर्सियां तक खाली। हाँ इस कुछ कमी आदरणीय कटारिया साहब के जाने के बाद आई। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पार्टी संगठन की तरफ से इतने कार्यक्रम है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक कार्यक्रम खत्म होता है उसके पहले चार कार्यक्रमों की पांच कार्यक्रमों की श्रृंखला आ जाती है। अभी आक्रोश रैली थी उसके बाद जयपुर गए फिर संगठन ने हमें बहुत सारे कार्य 19 करने कार्य दिए वो काम किए उसके बाद ये परिवर्तन की रैली आई परिवर्तन रैली में हमें सभा करनी पड़ी। तो बैणेश्वर धाम से 3 तारीख को चालू हुए तब भी यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ गए। उदयपुर के अंदर भी परिवर्तन रैली बहुत अच्छी निकली। बैंक तिराहे पर थोड़ी संख्या कम थी। आज की तारीख में हो क्या रहा है भैया थोड़ी बैंक तिराहे तो वैसे ही काफी छोटा है आपने जब बात की तभी मैंने फर्स्ट में मान लिया और आगे आने वाले कार्यक्रमों में संख्या की उपस्थिति ज्यादा रहे तो इस पूरे बैठ के कार्यकर्ता और हम इस पे विचार करके आगे आने वाले समय में थोड़ी जो कमी रही उस दिन वो कमी आगे से नहीं रही ऐसा 100% हम लोगों को प्रयास करना भी चाहिए और होगा। अतुल जी गुलाब जी मेवाड़ के नेता थे सर्वमान्य नेता थे लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं उनके जाने के बाद में हालांकि पार्टी ने मेवाड़ को ही प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष कर लिया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मेवाड़ के हैं लेकिन आपको कहीं कहीं नहीं लगता कि वो वाला काम या वो वाला मजा नहीं है जो पहले हुआ करता था? नहीं ऐसा नहीं है भैया। आदरणीय कटारिया साहब ने 50 साल यहाँ पे राजनीति करी है तो थोड़ा बहुत फर्क तो उनके जाने का रहेगा। सीपी जोशी जी अभी अध्यक्ष बने हैं। सीपी जोशी जी एक बहुत डायनेमिक पर्सन है। उन्होंने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत ज़बरदस्त इस राजस्थान में पार्टी के युवा मोर्चा का काम किया। 2 बार से वो सांसद भी हैं और हाइएस्ट लीड के साथ वो चित्तौड़गढ़ सीट से जीते। पार्टी संगठन ने आदरणीय कटारिया साहब के वैक्यूम को भरने के लिए उनकी कमी को भरने के लिए भी और आदरणीय सीपी जी के काम को देखते हुए भी एक युवा चेहरे को उन्होंने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पर भेजा। आप काम की अपन कब कर सकते जब उसका रिजल्ट आए? तो अभी तो चुनाव है तो अभी तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब वो कितने मार्क्स लेके पास होते हैं कि वो 100 में से 100 लाते हैं कि 100 में से 90 लाते हैं तो अभी वो तैयारी में है। तो वो जो कार्य आज की तारीख में पूरे राजस्थान में दौड़ दौड़ के कर रहे हैं उसका अपने को 101% पॉजिटिव विद डिस्टेक्शन मार्क अपने को जवाब मिलेगा आपके इस प्रश्न का विधानसभा चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सीपी जोशी जी और हमारे चंद्रशेखर जी भाई साहब आदरणीय अरुण सिंह जी इनके उसमें काम करते हुए 150+ जीते भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप 150+ सीट की बात कर रहे हैं शहर में इतना बिखराव है हर कोई अपने आप को भाई साहब बनाने की जुगत में लगा हुआ है तो इस तरह का बिखराव पार्टी में होना कहाँ तक उचित है? बिखराव नहीं है भैया तो क्या है तो कार्यकर्ताओं की एक खेप है जी।
जो आदरणीय कटारिया साहब तैयार करके गए। तो मैं आपको बार बार सब जने मुझसे यही पूछते हैं और इतने सारे वो हो गए, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि हर व्यक्ति अपने आप को कटारिया साहब के पद चिन्हों पर चलाने की कोशिश कर रहा है और इस उदयपुर की सेवा करने की। मानना सबका हक है लेकिन बुराई करके आगे बढ़ना कहाँ तक उचित? अगर ऐसा कोई करता है तो मैं तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको टिकट मिला तो अतुल चंडालिया घर जाके नहीं बैठेगा, अतुल चंडालिया संगठन के लिए और आपके लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी का और आप कमल का सिंबल लाए आपके लिए काम करूंगा। मतभेद टिकट से पहले तक वो भी अपनी लिमिटेशन में रहते हुए अगर छोटा मोटा कुछ होता है तो ठीक है, बाकी आप कह रहे हो कि मनभेद ही हैं और एक दूसरे के लिए अगर कुछ बोलना है या कुछ बोलते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ भारतीय संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को और उनके दावेदारों को ये चीज़ शोभा तो नहीं देती। और मैं मेरी तरफ से आपको एश्योर कर सकता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कोई भी काम मेरे पार्टी संगठन के लिए अच्छा नहीं होगा, वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। युवा मोर्चा काफी कमजोर दिख रहा है, गुटबाजी हो गई। एक जमाना था तब रक्तदान करते थे तो 1000 से ऊपर हो जाता था, गुलाब जी भाई साहब के जन्मदिन पर फला फला कई जगह इतने बड़े आयोजन होते थे, अब इतनी गुटबाजी हो गई कि युवा मोर्चा की संख्या बल कम होता जा रहा है। और आप तो युवाओं के चहेते भी हैं, तो क्या कहेंगे? मैं युवा मोर्चा के मेरे जितने भी भाई हैं वो सब अपनी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। एक चीज तो होती है भैया कि 5 टीम हो और उसकी जगह एक टीम हो और उसका एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हो तो कहीं पे भी ले लो आप, सबका जुड़ाव हो जाता है। और जब यूनिटी में खड़े होते हैं और एक साथ खड़े होते हैं तब अपना मास अपनी संख्या दिखती है। अभी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं युवा मोर्चा के, अंकित जी चेची, तो मुझे लगता है कि 2-5 दिन के अंदर अंदर उदयपुर के भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। तो फिर हम सब आपको युवा जितने भी साथी हैं फिर उसी पुराने रूप में और पूरी संख्या के साथ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और ये तो हमारा हरावल दस्ता है, इसने तो सब अध्यक्षों के अंदर में इस उदयपुर में जो काम किया है इसने इतिहास रचा है। और आगे आने वाली टीम और आगे आने वाले युवा मोर्चा के मेरे जितने भी साथी हैं मैं आपसे कह रहा हूँ कि फिर वैसी धूम वैसी धमाल और अपनी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन से यहाँ पर भारतीय युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लगेगा। बड़ी शादी से भाई साहब 2008 में आते हैं यहाँ पे और उसके बाद में लगातार चुनाव होते हैं। इस बीच एक गुट विशेष बड़े स्तर पे तैयार होता है और महिला बैंक के चुनाव भी होते हैं। उस वही लोग आज चाहते हैं कि भाई साहब की कृपा दृष्टि बनी रहे, या फिर उस समय आपका क्या रोल रहा ये बताइए आप। मैंने हमेशा वही किया जो मेरे संगठन ने मुझे कहा, मैंने कभी भी किसी को भी अपना व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी किसी का कहा नहीं किया। मैंने हमेशा वही कार्य किया जो मेरे संगठन के लिए सही था। बैंक के चुनाव में जब जब भी मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई पार्टी संगठन के द्वारा मैंने उसको बखूबी निभाया। आगे आने वाले समय में भी संगठन मुझे जो भी काम मेरे अनुरूप देगा मैं अपनी यथाशक्ति उस कार्य को उसका निर्वहन करूँगा। रही बात आपने कहा कि 2008 भाई साहब जब से आए हैं और किसी ने विरोध किया है या बैंक के चुनाव, भैया मैं इतना कह सकता हूँ कि पार्टी के प्रति संगठन के प्रति हमेशा हमें वफादारी के साथ रहना चाहिए। रही उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने विवेक से कुछ किया होगा तो वो उनका धर्म उन्होंने निभाया, संगठन ने अपना धर्म निभाएगा। और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब हैं वो इतने ऊंची सोच के हैं, उनका धर्म वो निभाएंगे। और मेरे छोटे जैसे कार्यकर्ता को और मेरा स्तर इस हिसाब से नहीं है कि मैं इतने गहराई में जाके आपसे इस बारे में कोई बात करूं। बाकी ये है कि संगठन है, छोटी छोटी चीज़ें चलेगी, छोटी छोटी चीज़ें होती आएगी। इस भारत कल्याण में, इस राष्ट्र कल्याण में और आज का जो समय चल रहा है मेरा तो सबसे यही निवेदन है, पुरानी बातों को भूल के, पुरानी बातों को घर छोड़ के
हम सब एक मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस उदयपुर में, इस राजस्थान में और आगे आने वाले समय में 2024 में कैसे जिताएं, हमें इसके ऊपर करना चाहिए। और संगठन चलता भी ऐसे ही है, घर परिवार चलता भी ऐसे ही, घर परिवार में भी छोटी छोटी बातें भाइयों में, रिश्तेदारों में, इनमें होती है, पर ऐसा नहीं कि हम लेके बैठ जाते हैं। भाई साहब का मन बहुत बड़ा है, संगठन के लिए काम करेंगे तो संगठन के सोच के साथ वो चलने वाले हैं। बाकी रही बात अब आगे वाले समय में क्या होना है, वो संगठन तय करेगा और संगठन 100% अच्छा ही तय करेगा। राजनीति में साम दाम दम भेद सब अपनाया जाता है और आपको भी 19 साल से ज्यादा हो गए हैं, कभी इस तरह के पैंतरे अपनाते हुए गुस्सा, क्योंकि आपकी कभी गुस्सा नहीं दिखा और सबसे संबंध आपके अच्छे ही रहते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? भैया मेरे पास खोने को क्या है और मेरे पास पाने को क्या है? मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता हूँ सेवा करने के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी का 100% कार्यकर्ता काम करता है सेवा करने का। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से बात करके या उसको नीचा दुखाने में मेरे को तो नहीं लगता कि कोई सुख किसी को भी मिलता होगा। और मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर अगर सब जनों का एक बनता है कि भाई यार ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे टॉप है, तो सबसे पहले अगर कोई लिखने के लिए तैयार है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले लिख के देता हूँ कि मैं मेरी दावेदारी वापस लूँगा। हम सब जनों ने मिलकर इस कमल के फूल के इस कार्यकर्ता को चुना है, तो मैंने कभी किसी को मेरे से छोटा हो उसको भी मैं तू नहीं बोलता। संगठन करेगा 101% संगठन तय करेगा। और संगठन के इतने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, इतने बड़े बड़े पर्यवेक्षक हैं, सबकी अभी ड्यूटी लगी और अभी तो समय बहुत बाकी है भैया। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखना सुनना होना सब बाकी है। महीने डेढ़ महीने के अंदर टोटल सारी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मैं तो चाहता भी हूँ कि एक सर्वसम्मति से एक नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का अगर तय हो सकता हो तो पार्टी संगठन को करना चाहिए। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इन दिनों आपके फोटो काफी वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं संगठन में जब भी मुझे आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने कुछ कहा है या कभी एयरपोर्ट में मेरी ड्यूटी लगी है, मैं हमेशा गया हूँ। मैंने हमेशा बहुत पोलाइटनेस में और हमेशा झुक के और सामने वाले को पूरा आदर सम्मान देके मैंने, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मैंने हमेशा उनको बड़ा मान के कि भाई ये हमारे पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी को अपनी क्षमता से, अपनी मजबूती से और अपने सालों इस पार्टी को देके और काम किया है, तो मेरा उनके प्रति और मेरा ही क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का उनके प्रति वो रहता है लगाव। आदरणीय कटारिया साहब के साथ भी रहने का, दूसरा जयपुर आने जाने का, तो उनसे भी कभी कभी मेरी मुलाकात होती रहती है। और ये फोटो मैंने भी आज के नहीं है, मैं 2014 में अर्जुन जी भाई साहब हमें लेके संसद दिखाने ले गए तो आदरणीय मोदी जी के साथ हम वहाँ के सारे पार्षद मिले, तो मेरे वो फोटो अब चलने लगे हैं। आप इस चीज़ को समझना कि चलाए जाने लगे हैं। मैं भी चलाता हूँ, मैंने तो खुद अपने कितने उसके ऊपर बना के डाले ही हैं। और अगर मैं किसी को जानता हूँ और मैं उनको पहचानता हूँ तो मुझे लगता है कि जनता को बताने में इसमें तकलीफ क्या है।